डॉक्टर हॉली हार्वी क्रिपन और उसकी वाइफ कोरा अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने 1892 में शादी की और बाद में इंग्लैंड जाने का फैसला किया। 1898 में क्रिपन की मुनियंस रेमेडीज में नौकरी लग गई, जो कि लंदन में एक दवा की दुकान थी, इसलिए वो इंग्लैंड में बस गए। दूसरी ओर क्रिपन की वाइफ कोरा को परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक था। अमेरिका में उसे इस फील्ड में अपना करियर एस्टेब्लिश करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसने इंग्लैंड को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। हालांकि कोरा थिएटर में कुछ असाधारण काम नहीं कर पाई, पर उसने वहां कई दोस्त बनाए। अनफॉर्चुनेटली कोरा और क्रिपन की मैरिज लाइफ काफी डिफिकल्ट फेज में थी। कोरा क्रिपन की रिस्पेक्ट नहीं करती थी और उसके कई पुरुषों के साथ अफेयर्स थे। ऐसा भी नहीं था कि उसके अफेयर्स क्रिपन से छुपे हुए थे, वो ओपनली अपने अफेयर्स के बारे में शेखी बकारती थी। कोरा पैसों के मामले में बहुत स्वार्थी थी। जब वे दोनों हिलड्रॉप क्रिसेंट में एक बड़े घर में शिफ्ट हुए, तब उन्होंने उस घर के कुछ कमरे रेंट पर देना शुरू कर दिया। वहां रहने आए ज्यादातर यंग स्टूडेंट और परफॉर्मर्स थे, इससे उन्हें और ज्यादा पैसे मिलने लगे। कोरा ने इन पैसों का इस्तेमाल अपने लिए महंगे कपड़े गहने लेने के लिए किया। शॉकिंगली उसने कुछ किराएदारों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप तक बनाए। तो क्रिपिन ने भी इस बात का बदला लेने के लिए इथेल नाम की एक औरत के साथ अफेयर करना शुरू किया। हालांकि ये उसके बदला लेने के प्लान की बस शुरुआत थी। 17 जनवरी 1910 को क्रिपन न्यू ऑक्सफर्ड स्ट्रीट पर एक केमिस्ट से मिला और उससे 324 मिलीग्राम हायोसाइन हाइड्रोब्रोमाइड खरीदी। इस दवा को आमतौर पर मतली और उल्टी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में लिया जाए तो यह बहुत घातक हो सकती है। 2 हफ्ते बाद कोरा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इससे उसके दोस्तों और जानने वालों को उसकी बहुत चिंता होने लगी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, क्रिपन का व्यवहार और भी बिगड़ता गया। क्रिपन ने इथेल को कोरा के कपड़े गहने दे दिए। ऐसा लग रहा था कि इथेल कोरा की जगह ले रही थी और क्रिपन की नई वाइफ बन गई थी। जब कोरा के दोस्तों ने क्रिपन से पूछा कि कोरा कहाँ है, तब उसने कहा कोरा फैमिली के किसी बीमार मेंबर को मिलने के लिए अमेरिका चली गई है। 24 मार्च को क्रिपन ने कोरा के एक दोस्त को टेलीग्राम भेजा, जिसमें लिखा था कि कोरा की अचानक अमेरिका में मौत हो गई है। टेलीग्राम भेजने के बाद क्रिपन तुरंत फ्रांस के लिए रवाना हुआ। उसके लंदन वापस लौटने पर कोरा के दोस्तों ने कोरा की मौत का स्पष्टीकरण पूछा। हालांकि क्रिपन के कमजोर और टालमटोल वाले जवाबों ने उनके शक को और बढ़ा दिया। कोरा के दोस्तों ने यह मानते हुए कि कुछ बहुत ही भयानक हुआ है, इस मामले में पुलिस को शामिल करने का फैसला किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्रिपन का इंटरव्यू लिया और उसे बयान देने में 5 घंटे लग गए। इंटरव्यू के दौरान उसने बयान दिया कि उसने कोरा के अमेरिका जाने वाली बात के बारे में झूठ बोला था और यह भी कबूला कि वो नहीं जानता कि कोरा कहाँ है। 11 जुलाई को पुलिस क्रिपन द्वारा दिए गए बयानों की जांच करने के लिए उसके घर लौटी, पर वहाँ क्रिपन और इथेल का कोई पता नहीं था। इसने पुलिस का शक और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, जिसमें उन्होंने घर के तहखाने के फर्श के नीचे एक भयानक खोज की। उन्हें वहाँ एक सड़ता हुआ मानवीय धड़ मिला, जिस पर कुछ निशान थे जो कि कोरा के बॉडी पर मौजूद निशानों के समान थे। और सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने वहाँ टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस की और उसमें उन्होंने पाया कि वहाँ हायोसाइन हाइड्रोब्रोमाइड की प्रेजेंस थी, वही सब्सटेंस जिसे क्रिपन ने केमिस्ट की शॉप से खरीदा था। इस डिस्कवरी से क्रिपन के खिलाफ और सबूत मिल गए और कोरा के गायब होने के पीछे क्रिपन का हाथ था, इस शक को और मजबूत बना दिया। पुलिस क्रिपन और इथेल को पकड़ने के लिए बेताब थी। उन्होंने इसके लिए एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 22 जुलाई को मॉन्ट्रो जहाज के कैप्टन हेनरी ने लंदन के अधिकारियों को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने क्रिपन और इथेल को देखा है। इस जानकारी के बाद एक इंस्पेक्टर ने उन्हें ट्रैक किया और हत्या के संदेह में उन्हें घेर लिया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपने खिलाफ पेश हुए सबूतों के बावजूद क्रिपन ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। उसने कहा कि बड़ी मात्रा में हायोसाइन हायोब्रोमाइड उसने अपने पेशेंट का इलाज करने के लिए खरीदा था, हालांकि वो उसका कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया। उसने ये भी कहा कि कोरा ने उसे और किसी आदमी के साथ रहने के लिए छोड़ दिया होगा। हालांकि ज्यूरी ने क्रिपन के बचाव में सहमति नहीं दिखाई। उसे हत्या का दोषी ठहराने में उन्हें सिर्फ 27 मिनट लगे। 23 नवंबर क्रिपन को पेंटोविले जेल में फांसी देकर मार दिया गया और जेल के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इथेल को फ्री कर दिया गया क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वह हत्या में शामिल थी।